निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर इस प्रदेश का कोई शासन रहा है उसकी चार्जशीट के जो इन्होंने वादे किए और एक भी वादा इन्होंने नहीं निभाया। वादा तो दूर है, इन्होंने पूरे राजस्थान की जनता को त्रस्त, और ऐसा है कि कोई प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है, सारा विकास ठप पड़ा है। इन्होंने जितने भी वादे किए, कल उन्होंने कहा इतने वादे किए, इतने पूरे कर दिए, मैंने कहा मैं तो कह रहा हूँ एक वादा पूरा नहीं किया। तो ये जन विरोधी सरकार है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है कि ये देश विकसित राष्ट्र बने, ये खुशहाल राष्ट्र बने, ये देश पूरे दुनिया में संपन्न राष्ट्र बने। उसके लिए वो ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं, धारा 370 हो, 35 हो, 3 तलाक हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे नागरिकता संशोधन विधेयक हो, जो आम जनता पीड़ित है, शोषित है, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा सिद्धांत है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं देश में, उस कामों में बाधा डालने का काम जरूर ये प्रदेश सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे वहाँ दिल्ली आपके आशीर्वाद से मुझे आपने दिल्ली में भेजा, जब देखते हैं जब दोनों जने वहाँ हाजिरी देने, सोनिया जी और राहुल जी के हाजिरी दे, प्रियंका जी के हाजिरी देने में लगे रहते हैं, 365 दिन में से अधिकांश तो मैं तो कहूँ 265 दिन, ये 100 दिन मुश्किल से यहाँ रहे, 265 दिन ये दिल्ली में उनके हाजिरी देते हैं, वहाँ ये देखते हैं कि हमारी सीआर यहाँ अच्छी रहे। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि राजस्थान की जनता त्रस्त है, यहाँ अन्याय अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर हो रहा है, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ इस तरह का हो रहा है, यहाँ विकास सारा ठप पड़ा है। केंद्र की सरकार जो पैसे दे रही है उस पैसे को यहाँ खर्च नहीं कर रही है। अभी जो मेडिकल जो एक कॉलेज की बात कर रहे हैं सारे केंद्र सरकार ने दिए हैं, कुछ नहीं कर रही है। और गाये बगाए समय समय पर सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री जी भी ये कह रहे हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इससे ज़्यादा प्रमाण कोई हो नहीं सकता है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो फैसले लिए हैं, उन फैसलों को राजस्थान की सरकार लागू क्यों नहीं कर रही है। सबसे ज़्यादा तो नागरिकता संशोधन बिल आया है, वो शोषित और पीड़ित जो 72 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कई मजबूरी में धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, कई आज भी पाकिस्तान में, चाहे बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, उन सब का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। कई लड़कियों को जबरदस्त से धर्म परिवर्तन करा के उनसे शादी कर रहे हैं। ऐसे में उनको न्याय देने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है, उस फैसले को ये प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि हम नहीं मान रहे, ये हमें कोई कीमत पर मंजूर नहीं है, आम जनता चाह रही है। और इसके लिए ये आज चार्जशीट, एक साल जश्न मना रहे, किस बात का जश्न मना रहे? अरे तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, जनता से तुम्हें माफी मांगनी चाहिए कि हमें झूठे वादे करके अन्नदाताओं को ठगा, युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा, कर्मचारियों को ठगा, सभी सर्व समाज को इन्हें ठग कर, झूठ बोलकर जो राजस्थान में इन्होंने सता, अरे वही पूर्ण मोहम्मद से नहीं, उनको 100 सीटें इनके नहीं आई, 101 सीट चाहिए थी बहुमत के लिए, वो सीटें नहीं आई, फिर भी इधर उधर खरीद करके बसपा को लाकर इन्होंने जो राजस्थान में जन विरोधी जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ आज हम आपके बीच में आए हैं। आपसे हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि इस गहलोत की सरकार की जो नाकामी है आप उसको उजागर करें, आप चौथा स्तंभ हो, आप ही हमारे को जगाने वाले हो, आप ही हम जो हमारी कमजोरियों को उजागर करने वाले हो, आप ही हमारे को रास्ता बताने वाले हो। इसलिए मैं
सभी मीडिया कर्मी भाइयों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो जश्न मना रहे हैं उनको आगाह करो कि तुम जश्न किस बात का मना रहे हो, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। इसी बात के ऊपर आज पूरे हम यहाँ आपके बीच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस ने अपने एक वर्ष के शासनकाल के 365 दिन में 365 पाप किए हैं और 52 सप्ताह में हमने 52 आरोप लगा करके एक चार्जशीट जारी की है जिसे स्पष्ट कहा गया है यह सरकार अकर्मण्य, निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है, जिसको आज इंटरनेशनल सर्वे में राजस्थान भ्रष्टतम राज्यों में गिना गया है। बाल तस्करी में राजस्थान चौथे नंबर पर है। इस तरह से जितने इन्होंने वादे किए थे उस सब में फेल हुए हैं। यहाँ तक कि जो पैसा केंद्रीय वित्त आयोग से आया, जो पैसा राज्य वित्त आयोग से आया, जो पैसा नरेगा से केंद्र सरकार से आया, वो केवल पीडी खाते में जमा करा के पंचायतों को इन्होंने नहीं दिया। इसलिए पंचायत राज का अपमान किया है। किसानों के साथ इन्होंने पूरी तरह धोखा किया है कि 22 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा से महरूम रहना पड़ा है। और जो रोजगार के लिए बेरोजगारी भत्ते की बात की, इन्होंने 27 लाख में से केवल 32,000 लोगों को आज तक बेरोजगारी भत्ता दिया है। इस तरह से संविदा कर्मियों के साथ वादा किया था, एक भी संविदा कर्मी को आज तक रेगुलाइज नहीं किया। 75,000 लोगों को नौकरियां देनी थी, एक भी नौकरी विज्ञापित नहीं की। इसीलिए भ्रष्टतम, नकारा, युवा विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी सरकार का यह वर्ष रहा है। इसलिए जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और इस समय संविधान विरोधी अशोक गहलोत हैं जो कह रहे हैं कैब को मैं राजस्थान में लागू नहीं करूंगा, तो वो घोषणा करें कि मैं हिंदू विरोधी हूं और मैं हर मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान को यह नागरिकता देना चाह रहा हूं। इतना यदि स्पष्ट करेंगे तो शायद जनता अपने आप को महसूस करेगी कि हमने किन को अपना वोट दिया। देखिए, राज्य सरकार का अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। इस एक वर्ष के कार्यकाल में वो जश्न मना रहे हैं, लेकिन मैं सवाल कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने जो वादे किए हैं उन वादों का क्या किया है? वो वादे वादे ही रहेंगे या धरातल पर भी उतरेंगे? जो बहुत सारी नौकरियों का वादा है, संविदा कर्मियों को स्थायी करने का वादा है, इस प्रदेश में अमन और शांति स्थापित करने का वादा है, महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा है, बच्चों को शिक्षित करने का वादा है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा है, वो वादा आप कब पूरा करेंगे? माननीय अशोक गहलोत जी अपने आप को राजस्थान का गांधी बताते हैं, लेकिन गांधी के स्वराज में स्थानीय शासन मजबूत होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए शासन की शक्तियों का, लेकिन गांधी जी के इस फर्जी गांधी जी के राज में क्या विकेंद्रीकरण हो रहा है या केंद्रीकरण हो रहा है शक्तियों का? ये मेरा प्रश्न है। इसलिए अशोक गहलोत जी, आप गहलोत ही बने रहें, गांधी बनने के चक्कर में ना तो गांधी रहेंगे ना गहलोत रहेंगे। और जो आदमी बीच का होता है उसको मैं नहीं कह सकती कि क्या वो कहते हैं लोग, इसलिए गहलोत बनकर के यदि इस प्रदेश में काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो वादे आपने किए हैं वो वादे आप पूरा करें, ये जनता आपसे प्रश्न कर रही है। सरकार के कुशासन का एक वर्ष आज पूरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चार्जशीट जारी की है, 52 सप्ते में 52 आरोप लगाए, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस जश्न को मना रहे हैं, अगर इनके जश्न में सरकार ने अगर जनता के काम किए होते तो इस जश्न में 100% कहीं ना कहीं प्रदेश के अध्यक्ष और वर्तमान सरकार के उप मुख्यमंत्री शामिल होते, क्योंकि ये जब उप मुख्यमंत्री नहीं थे और प्रदेश अध्यक्ष थे तो आए दिन आरोप लगाते थे, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान मर रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही है। पर आज वो का वातावरण जिस प्रकार का बना है, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी वो की वो है। हमारी सरकार ने जो काम किए, हमारी सरकार ने जो रोजगार का काम किया वो बंद हो चुका है, और इसलिए उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष सचिन पायलट इस जश्न के कार्यक्रम से दूर है। नहीं तो एक प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री आज राजस्थान में होना चाहिए, न तो वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे न आज इनके जश्न के कार्यक्रम में है। मुझे लगता है कि सचिन पायलट की अंतरात्मा कह रही है कि सरकार ने एक साल में काम नहीं किए, कानून व्यवस्था खराब की, रोजगारों
रोजगार नहीं दिए, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, किसानों की कर्जा माफ़ी नहीं की, और इसलिए वो इस जश्न से बाहर हैं। मैं सचिन पायलट को धन्यवाद देता हूं कि आगे भी 4 साल तक इस सरकार के कारनामों को उजागर करें और इनके जश्न में शामिल नहीं।